बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल मेरे तमाम बहन भाई, उम्मीद करने सारे बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अलहमदुल्ला सी बिल्कुल ठीक ठाक है। आसी ने हाल हाल पाई है, आंदी है कोई चीज़ है उत्ते, पता नहीं की वेखी खड़ी है। कित्थे होगा ये तो सगो होगी। ओह हो ओ हो गई ओ गई ए बेच वड़दी पी ओ वड़ गई वटियां दे बेच वड़ गई वाड़ गई वटियां दे बेच ओ वेख वेली दे बेच जाइए। असी आए हैं वेली अल वेखने आ किते लोक गई है इत्थे वटियां दे बेच ना। ऐ वेखो ऐ बैठी हुई है जिवे सप लगदा है। कढ़िए लो चाक की ना बीड़ी लवे भाई मैं पूरा टेल लाई खड़ा ने ये निकलती नहीं पई वे जकड़ी गई ए वेखो तुसी ऐ तो मैं जोर लाया ना इंदा पूछ वाली पटी जाने वाली आ। मैं भी छकावा दफा करिए पर लगी वत्ता वाले छिकिए आ आ का छेक दो माथा ना आ जा फाड़ दो माथा ना ये नहीं पकड़ी जल्दी। ओए होए हो बाल के की करना है है बाल के की करना है नहीं तो बालन की बाल के करना है। पहलू खपाऊ हमें ला जरूरी खाना होंदा है तो खाना जरूरी होंदा है नहीं भूख ना लावे मर जांदा बंदा आई नाल मरदा है बंदा आई नाल मरदा है भूख ना जरूर मरना होंदा नहीं मरदा भला दो दे ना खा खा नहीं मैं अपनी गल नहीं करदा तेरी करदा वे तू दो दे ना खा खा अगे कड़ा कोई काम करता फिर अगे कड़ा टुरया फिर वाने मंजी ते बैठा रहना ते और काम भाई तेरा तजर्बा है ना टुरन दा मेरा तजर्बा नहीं है का लकड़ियां दे चंगे मरोड़ काट दे मजियां जड़ियां पट्ठे अजे तक नहीं मुका सकियां सवेरे पाए आ अजे तक उन्हें कोल पाए खाई जा रही ने ना कि पानी लैके जाऊंगा इनका काम वेखो तुसी उस गो नूं एवें तंग पिया करदा ना उन्हें तंग कर बेचारी नूं बैठे रहण दे विच उत्थे वटियां ते बैठी है हैं नवाऊ है कि उत्थे दी उत्थे बैठी नहीं पहले मेरी से शरत सुनना जो टीका घर लिया पता की करना है लवा के जाना है अस्पताल टीका भी लवाना है बाप भी दिवानी है कली बाप दिवाली बाप बाप नहीं ते मां की करती पी छलिया की करू छलिया आटा पिवाऊ ने बड़ी सोहनी रोटी।
ਰੋਟੀ ਪਕਦੀ ਹੈ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਹਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਕੱਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਣਾ ਹੋਰ नहीं तेरा ना टीका रखींदा पहले टीका लवा लिए फिर पाप दिवा के तो मोड़ डेरे जैसा हाँ ठीक है ना ठीक है हाँ ठीक है टीका चल ठीक है उठ फिर टीका भी लवा के जाना तो फिर की है नहीं पीड़ होता नहीं पीड़ होता आसी आले ते बाटा भी पार लिया मकई दे दाणिया दा होण पिवावेगी आटा फिर असी बनावांगे रोटियां तो धुप्पा लवा ते मोर ए अजे गिल्ले ने हले गिल्ले ने छलियां गिल्लियां आहो काफी गिल्ले ए ले दो तेल ले धुप्पा चंगिया लवा अजे तक आउ अली सारे खिलार सट्टे पर थल्ले काफ़ी दिन हो गए थोड़े न बाहर का व्यू शेयर नहीं किया जड़ा ना धुप भी माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरत निकली हुई है हर चीज़ से जिते जिते धुप पैंदी है ना हर चीज़ इन सुनहरी नज़र आ रही है तुसी वेखो कितना सोहना जड़ा ना मौसम अज क्लीयर नज़र आ रहा बाकी असी लैके आए हुए सी खाद वो छोटी छोटी कणा के उन्होंने पा रहे हैं तो आसिया नूं आख्या लकड़ियां जड़ियां ना तोड़ के रख दे क्योंकि सुबह 3 बजे आन के मैं पानी जड़ा ना बनना हुंदा सरगी 3 बजे तो उस टाइम ठंड जड़ी ना बे इंतहा हुंदी है तो मैं जड़ा ना कोई हाथ वगैरह जड़ा ना काफ़ी ठर जाते हैं तो अग उग सेक के तो फिर बंदे का टाइम पास चंगा हो जाता है बाकी वह भी तुहाडे नाल व्यू शेयर करांगे सुबह सांझरे दा कि किस टाइम जड़ा मैं उठ के आना और सुबह की पोजिशन की हुंदी है खाद की बोरी जी चूहे पार सट्टी है सारी वेखो ये हम खलिया कर लगे भी सारी जी थले रुड़ी है भाई बड़े हिसाब किताब न कटनी पानी काफ़ी दिन बाद धुप जी निकली है और सर्दी के बिल्कुल किसी ठंडी चीज़ खाने दिल ही नहीं करता ना मूली ना गन्ना ना माल्टा वगैरह अमरूद शमरूद भी बिल्कुल नहीं और अज जरा ना दिल एवं फड़कता पिया वेख के माल्टे माल्टे एडे सोने हैंगे ना मिठे भी पहले मैं टेस्ट किए बहुत मिठे और कई बहन भाई साढ़े जड़े ना सोचते हैं कि बाग जड़े ने इन्हों का आप का बाग साढ़ा आप का कोई नहीं है तो सिर्फ गल है कि इतने असं काम करने हैं और यह है कि खाण पीन की थोड़ी बहुत परमिशन है घर ले जावन की नहीं हैगी घर लै जाइए तो फिर वो जड़ा ना साढ़े उत्ते इतराज बना लेंगे भी तुम घर के स्वस्थ लै आए तो इतने असं जड़ा ना अपनी रीझ ला लें इस तरह के माल्टे जड़े न बड़े जबरदस्त और मिठे है पहले भी एक दो मैं खा के गया लेकिन दिल नहीं रजिया आंदे ना है अखी भुखी हैं तो पेट रजिया हो ते अखी जड़िया ना आदि सारा ही बूटा खा लवी और तुम दिखाता चला साढ़े नाल चंगी जड़िया ना है जानवर ने से है या गिद्दड़ ने है वेखो किस तरह उन्ना जड़ा ना खा 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 के कुतरा किया वेखो चंगा तसली नाल कोई लगा रहा जानवर जड़ा ना उन्हें चंगी तरह खाधे ने तो लगता है जिम्मे बंद खाधे लेकिन है वेखो नाल ही लगे हुए उस तरह आम जी 3:30 बजे का हो चुके आसिया भी जाग गई और मैं भी जाग गया मोटरसाइकिल मैं काढ ली बाहर और कई नाल टांग ले जा रहे हैं पानी के ठीक है बिस्मिल्लाह क्या जित्थों पानी मोड़ना है इस जगह तो और पानी जड़ा है ना टाइम हो चुके है तो मैं मोड़ लवा बिस्मिल्लाह पानी ठंडा इन्ना कि इंतहा नहीं है जी इस पैर नहीं रखा हो गया पानी मुड़ गया साडा और अभी उड़ जाने पीछे पीछे पानी में लैके आ चुके हैं और पानी जड़ी जगह तो लाना वो ऐल जगह हैगी ठीक है ना जिते लाइट बज रही है
ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਪਿਆ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਸੇਕ ਲੈਂਦਾ। ਹੈ ਕੁਛ ਰਾਤ ਦਾ 3-3.5 ਵਜੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਔਰ ਆਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟੋਕਾ ਉਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਈ ਖੜੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਵਧੀਆ। ਗੋਹਾ ਸ਼ੋਹਾ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਉੱਠੀ ਆਏ 3 ਵਜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਹਾ ਗੰਦ ਛੰਦ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਠੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਕਾ ਡਲੋ ਪਰੀਜ ਪਰੂਜ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸੁਬਹ 'ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ।